ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आज बात करते हैं आपके जो बच्चे हैं, जितने भी अभी शनि साढ़े साती में पीड़ित मेरे प्यारे मकरू कुंभ मीन मेष आने वाला समय में, और इनका जैसे कि आप जानते हो शुरू हो चुका है प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। और इस कंडीशन में बच्चों का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, और इस बच्चों का एग्जामिनेशन समापन अगला भविष्यत में क्या करेंगे, क्या इनका फ्यूचर रहेगा, इसको लेके करियर बिल्डिंग, करियर डिसीजन मेकिंग के लेके आप सभी पेरेंट्स माता पिताओं को स्वाभाविक चिंता रहता है। और उसके लिए कई प्रकार के आप रास्ता ढूंढते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ता में पढ़े, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, मेडिकल करे, आईएएस करे, ओएएस करे। हर माँ बाप को अपने बच्चों को लेके बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े इच्छाएं रहते हैं, और बच्चों में भी रहता है। और जो सबसे बड़ा चांडाल चौपड़ी और सबसे बड़ा जो समस्या आप हम सभी लोगों के, सभी पेरेंट्स के अंदर, कि मेरा बच्चा बड़ा बने, अच्छा बने, महान बने, बहुत पैसा कमाए, अमीर बने, ऐसा सपना देखना बुरा तो नहीं है, लेकिन यहां पर मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय नहीं ले रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जरूर बने, जरूर बनाना चाहिए, बड़ा महान, बेस्ट, गुड। और आज के समय में जो तकाजा है, जो माता पिताओं का, और सामाजिक परिस्थिति में जो पढ़ाई, आप कुछ भी पढ़ लो, नौकरी कहीं भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो है वो मात्र इस देश में जिनका नेता जूता छता, बैकिंग, बैकअप, पैसा लीड, और पीछे से बड़े नेताओं का बैकअप है। तो हाथ छाप के समय ये बहुत जोर था, फूल के समय लग रहा था कि ये सब कम हो जाएगा, लेकिन फूल के समय में भी यही चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन जितने भी लोगों के मत हैं, इसलिए आप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए जितने भी हायर एजुकेशन करा दो, सरकारी नौकरी तो नहीं है, और ये जो 56 इंच टाइप गवर्नमेंट है, यहाँ भाई 5 5 10 11 2, तो समझ लो क्या है। नहीं, अब के बार तो उसी सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अभिमत, स्थिति, ग्रह सब वही कह रहे हैं। हाँ, वो आगे का पावर नहीं रहेगा, वो दिखाई दे रहा है कि जो ताव भाव था उसमें थोड़ा सा कमी जरूर होगा, लेकिन यहां और ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इस समय कि हमारे बच्चों का भाग्य, भविष्यत कहीं ना कहीं से अच्छे नौकरी से, एक स्टेबल नौकरी से, एक सरकारी नौकरी से और आगे दिखाई देगा, पॉसिबल नहीं है। चाहे हाथ छाप आ जाए, चाहे फूल छाप आ जाए, देश का परिस्थिति वो नहीं है। बड़े बड़े देश के जो भी, जैसे ऑयल कॉरपोरेशन हो, दूरसंचार हो, रेलवे हो, हर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया है। अच्छा है, राजनीतिक लोग करते हैं, करना चाहिए, उनका मर्जी, वो जाने, और कितना करोड़ नौकरी दे देंगे, दिए नहीं दिए, आप जानो, वो जाने, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारे बच्चों का भविष्य और फ्यूचर को हमें कैसे निर्माण करना है, और इस कंडीशन पे हम सबका कर्तव्य कर्म क्या होना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक, अच्छे भविष्य बनाए, एक स्टेबल लाइफ, अच्छे रोजगार और इनकम सोर्स मिल जाए।
स्वाभाविक बात है हमारे बच्चे चाहते हैं कि आराम वाला नौकरी हो, लैपटॉप वैपटॉप कंप्यूटर वम्प्यूटर चलाएं, आराम से पैसा आ जाए, मान सम्मान मिलता रहे, दस्तों सैल्यूट कोई मारता रहे, पैर पटकता रहे, स्वाभाविक बात होना चाहिए। लेकिन उसके लिए माहौल और एटमोस्फियर तो नहीं है। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर वाले एस्ट्रोलॉजी जानने वाले जानते हैं, ग्रह तभी फल देता है जब उसको माहौल मिले, ग्रह तभी फल देता है जब उसको एटमोस्फियर मिले, ग्रह तभी फल देता है जब उसका भाव भाव आधारित फल, भावाश्रित फल, भाव अच्छा हो, भाव का एनवायरमेंट अच्छा हो। अगर नहीं है तो वो बच्चा कितना भी कुछ कर लो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, नहीं गढ़ पाएगा, नहीं स्टेबल हो पाएगा। जिंदगी एक दो दो पांच पांच में चलेगा, चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही चलेगा, हाँ ठीक है, स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। प्लस आज के माता पिताओं के दिमाग में जो चांडाल चौपड़ी पहले जो था कि इंजीनियरिंग बना लेगा, डॉक्टरी कर लेगा, आईएएस कर लेगा, ओएएस कर लेगा तो नौकरी मिल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, ये कोर्स कर लो, ये किताब ले आओ, वो कर लो, वो भी बंद नहीं हो सकता, इसको बंद नहीं किया जा सकता। ये बंद होने के लिए और 30 साल लगेगा, शनि को एक चक्कर मारना पड़ेगा, लोगों को होश आएगा, जो पुराने तबके के माता पिता हैं वो उनको तो लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन बेटा पढ़ेगा तो छिड़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा तो हमारे उड़िया में बोलते हैं पढ़ू जो दी एमए बी ए छुआ खिला बाकी, मतलब एमए बी ए पढ़ लेगा तो बच्चा कौन खिलाएगा, ऐसे इधर का गाना है, तो विनोद से बोल रहा हूँ, मजाक से बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले। तो पढ़ना चाहिए जरूर, मैकुले एजुकेशन नहीं करोगे तो फिर माँ बाप को लात कैसे मारोगे, मैकुले एजुकेशन नहीं पढ़ोगे तो एक नौकरी दे दे बागा बोल के भीख कैसे मांगोगे, मैकुले एजुकेशन नहीं करोगे तो फिर कैसे नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया मानसिक गुलामी रहोगे। तो पढ़ना चाहिए, ये देश का रूटीन है, क्या करें। एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए नाम पे तो चला कि ताड़ देंगे मोड़ देंगे उखाड़ देंगे, तो वो तो देख रहे हैं, हो गया 10-15-14 साल तो, और आगे और बाकी हाथ छाप से तो आसान नहीं था, अब इसको से इससे भी आसान नहीं है, तो वो भी भूल जाओ, वो भी नहीं होने वाला है। तो ये बीमारी रगा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस बीमारी का इलाज भी नहीं है, नेचुरल। माँ बाप का दिमाग ठीक नहीं कर सकते, माँ बाप बोलेंगे पढ़ 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 पढ़, 56 इंच का दिमाग ठीक नहीं कर सकते, वो बोलेगा देंगे देगा नहीं, ये भी भूल जाओ, नहीं वोट देंगे एकदम भूल, ठीक है उसमें मुझे कोई, मैं कोई पार्टी का नहीं हूं और ना ही मुझे उसमें कोई रुचि है, वो तो वो भी भूल जाओ। बच्चे सुधरेंगे नहीं, इसको भी ठीक नहीं कर सकते, वो अपने तो अपने ढल्ले से वो चलेंगे। उस दशक 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 90 दशक 20 दशक और 21 दशक और ये 24 वाला चल रहा है, ये जो दशक दशक में 90 साल से लेके अभी तक जो 10 10 10 दिन, ये अपने बच्चे उस लेवल पे उनका माइंड सेटअप हो गया है और अभी का और ज्यादा सेटअप हो गया है, तो उनको भी नहीं चेंज कर सकते, तो बीच में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो क्या रास्ता है, अमेरिका वाला मेरा भाई साहब बोल रहे थे कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, कुंडली में तो क्या बोल रहा है बच्चा, प्रश्न बढ़िया है, कुंडली क्या बोले, वो जिस समय लिखा गया और वर्तमान परिस्थिति में जो इंटरनेशनल नेशनल जियोपॉलिटिकल जो भी कंडीशन है, आप इस आशा में मत बैठो कि आपका बच्चा को जान देने वाला आर्मी नौकरी भी करने जाए तो 4 साल में भगा देंगे, उसके बाद पैसा लो और अपना नौकरी धंधा कुछ करो, तो फिर और किस खेल में है, बात नहीं है कहीं भी, नहीं मैं विरोधी नहीं हूं, अच्छा है सरकार कर रहा है कुछ सोच के किया होगा, हमें क्यों भाई विरोध करना है किसी को, नहीं करना है। लेकिन मेरा जो दर्द है, मेरा जो पीड़ा है, जिसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, उस बिंदु पे अगर मैं आऊं तो इतना ही कहूंगा कि आपके बच्चों को जरूर उस लाइन पे लेके जाओ, माँ बाप अपने पढ़ाओ, लेकिन साथ में ऐसा करो कि रोजगार क्षम हो, कुछ गहरा बात बोल रहा हूं, यानी ये कि आज के डेट में बच्चे अपने करियर का जो भी बड़ा करियर पढ़ाई उड़ाई करके कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट लेके घूमे कि हम आईएएस ओएएस एमपी एलएलबी डीएलबी कंप्यूटर इंजीनियर और गधा और घोड़ा और भेड़ और बकरी और जो भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर कराओ, मिल जाएगा नौकरी तो खुश है, अच्छा बात है यार आपका बच्चे को मिल गया, चलो प्राइवेट कंपनी में भी सर बेच दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, इसीलिए तो ये तो आज से नहीं, ये तो कंप्लीट 50 साल 60 साल का प्लानिंग लेके चल रहे थे ना,
कि खेती को बर्बाद कर दो गांव का, तो गांव के जो भी खेतियार वर्ग हैं या उच्च खेतियार वर्ग हैं या लोअर एंड अपर एंड मिडिल वाले शहर में आके नौकरी ढूंढने लगे। गिद्दड़ का मौत आए तो शहर की ओर भागे, तो जाके प्राइवेट में मेहनत करे, लेबर बने, चाकर बने, गुलाम बने, हलिया बने, बन गए। अब नौकरी नहीं है, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएंगे, और गांव जा नहीं सकते, गांव वाले कमेंट मारेंगे, टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे, उधर नहीं जा सकते। तो फिर इस क्षेत्र में समाधान का रास्ता क्या है, क्या करें तो समाधान हो सकता है? कोई समाधान नहीं है क्या? है। तो मैं यहां पर दो भाग कह रहा हूं, एक जो आप जैसे माता पिता जो नासमझ हैं या वर्तमान के जो कंडीशन को नहीं समझ पा रहे और आपको बोलते, आप लोग सोच रहे हो कि पढ़ लेगा तो करो, आपके पास 5, 10, 20, 50 लाख है, कोचिंग वोचिंग में देंगे, बड़े बड़े सेंटर में देंगे, दीजिए। अरे क्यों नहीं दोगे, पैसा है, कहीं ना कहीं तो खर्चा करना पड़ेगा, करो, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन साथ में एक और लेवल का बात जो मैं यहाँ कॉमन मिनिमम लेवल फैक्टर पे बता रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके बच्चों को उस बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल, जो जो करना चाहते हो करने के साथ एक साइड सोर्स ऑफ इनकम, एक बेसिक लेवल का इनकम के बारे में भी उनको मार्ग देना चाहिए। तो वो क्या, वो ऐसा क्या सोर्स ऑफ इनकम, किस बारे में बात कर रहे हो? देखो आप लोग, हमें ऐसा दिमाग में है कि कोई कुंडली देख लो, एक नौकरी कुछ है तो बता दो, एक करियर बता दो, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुत्ता बनेगा, घोड़ा बनेगा, भेड़ बनेगा, बकरा बनेगा, क्या बनेगा, वो तो बनेगा। एक्चुअली करियर का बात जब करते हैं तो लग्न से दशम करियर, चंद्रमा से दशम करियर, सूर्य से दशम करियर, इंदु कुंडली से दशम करियर, D10 चार्ट, तो क्या भगवान इसको जन्म कराया एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए, एक ISOS बनने के लिए, एकमात्र जिंदगी बन, कभी नहीं है। हर एक कुंडली में मल्टी रिलेटेड टास्क रिलेटेड बड़े सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। मैं तो यहां तक देखा हूं कि बेटा डिग्री इंजीनियरिंग कर ले, IIT, IIM और क्या क्या सब जो हायर एजुकेशन है उनको भी नहीं मिलता है, प्राइवेट में जाके सर बेच रहे हैं, किसी विदेश में जा रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट का सोच रहे हैं। तो आप जनरल इन गधों का एजुकेशन को क्या बोलो, प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट मेडिकल, डॉक्टर, इसमें क्या करोगे, 20, 25, 50 लाख रुपया दे के क्या कर देना है, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं तो करें। लेकिन मैं देखा हूं ऐसे इंजीनियर आके कहीं पर खड़ा होके ना, वो स्टैंडिंग कॉमेडियन बना रहे हैं या कहीं डांस सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या और कहीं पर आयुर्वेद कर रहे हैं, कहीं पर नेचुरोपैथ कर रहे हैं, कहीं पर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, है इंजीनियर, है डॉक्टर, है वो क्या बोलते हैं, हायर एजुकेटर, जो जो भी है वो सब लॉ क्लैट व्लैट सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक रास्ता पकड़ रहे हैं, एक अच्छा रिफॉर्मेशन है, बढ़िया टाइम है, कुछ लोग यूट्यूब भी कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉग राइटिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि जो कराना है कराइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइट वाइज एक हम लोग यहां पर ऐसे बच्चों का कैरियर बिल्डिंग के लिए, भविष्य निर्माण के लिए, वो जो साइड पार्ट है, वो जो बाईपास है, वो जो प्लान बी है, या ऐसे समझिए कि वो जो धड़ल्ले तपके के पढ़ाई उसको छोड़ के एक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, SEADC, या ऐसे समझिए स्किल डेवलपमेंट, या ऐसे समझिए कि कुंडली में और जो साइड सोर्स ऑफ इनकम बताया गया, वो जो मल्टी टैलेंट का बात बताया गया कुंडली में, वो जो मेन आपका करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाई करके करियर बिल्डिंग के साथ बाईपार्ट, जो उसके अंदर का रुचि है, इंटरेस्ट है, चाहत है, उसके अंदर जो आत्मिक इच्छा है कि गिटार बजाएंगे, डांस करेंगे, या कहानीकार बनेंगे, या लेखक बनेंगे, या उसके अंदर बहुत सारे रुचि है कि अच्छे ड्रेस, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल नाई, क्या क्या बोलते हैं, वो स्पा फा बनाएंगे, बालून काटेंगे, ये सब नोच के खींच के उखाड़ेंगे, और वो पेंटिंग ड्रेसिंग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे कुछ करेंगे, ड्रेम ब्यूटिशियन बनेंगे, पार्लर खोलेंगे,
बहुत सा चीज है जो कि उनके बड़े बड़े लोग मैं देखा हूं, इवन मेरे राउरकेला स्टील प्लांट में भी जो हायर रैंक के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर बड़े रैंक, लाल फीता ब्लू फीता पहन के हायर ऑफिसर होने के बावजूद उनको मजा आता है कहीं जाके भजन मंजिरा बजाने के लिए, एंड दे आर सेटिस्फाइड कहीं जाके किसी का, जानते हो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेरणा का सोर्स रहे डॉक्टर भारसनी, राउरकेला स्टील प्लांट का जीएम रैंक का व्यक्तित्व तो रहे और एस्ट्रोलॉजी और नेचुरोपैथी में मेरा गुरु भी रहे। आज शायद दिल्ली में कहीं पर होंगे, लेकिन मैं 30 साल से और उनको नहीं देखा, शायद पता नहीं, बट एक प्रेरणा का स्रोत है मेरे लिए। तो 30 साल पहले रिटायर्ड हुए व्यक्ति राउरकेला स्टील प्लांट से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति और यही सब नौटंकी कर रहा है हमारे नेचुरोपैथी में, हमारे आयुर्वेद सेंटर में, क्लासेस में, मेरे सेंटर में आके, ए संजय सुनो थोड़ा सा इसका कुंडली निकालो, थोड़ा सा ये, ओके ओके सर ठीक है। तो उस समय आई वॉज नॉट इन स्टील प्लांट, बट इतना बड़ा ऑफिसर, इतना हायर रैंक, जो उस समय सोचो 30 साल पहले कार आदमी देखने घूमता था यहाँ पर, तो कार में आके बड़े नौकर चाकर ड्राइवर लेके यहाँ पर बैठा के कुंडली देख रहा है, सेटिस्फाई विद दिस, उसको आत्मसंतोष मिल रहा है। इतना बड़ा उस समय ऐसे ऑफिसर देखना मतलब उसके लिए रिनाउंड ऑफिसर, बड़े नाम वाला, मतलब इस आदमी को उस समय हमारा जो राउरकेला का राउरकेला क्लब है वहाँ वाइन लेके बैठना चाहिए, दो ऑफिसर मित्रों के साथ एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती करना चाहिए, डांस वोस करना चाहिए था, क्लब बहुत बड़ा स्टील प्लांट बना के रखा है, ये बेटा आके यहाँ पर नेचुरोपैथी कर रहा है, आप समझो। तो ये क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और यहां तक भी मैं देखा हूं वो व्यक्ति उनका उस लेवल पे पहुंच हुआ कि अपने जीएम रैंक का, उस समय राउरकेला स्टील प्लांट का जीएम मतलब बहुत माने रखता था, बहुत माने मतलब मत बोलो, बड़े बड़े जीएम और क्या क्या सब हायर रैंक, उस समय हम लोग नहीं पता था ये सब, कौन दे गया हम, आप मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पास आ रहा है तो, लेकिन बाद में जब मैं इसके बारे में समझा तो तेरी ये बड़े लोग, ऐसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यू नो मेरे पास बड़े सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वाले जिनको कि आपको घुसने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तभी जाके उनको 5 दिन पहले आके मेरे ही सेंटर में थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा कोई नेचुरोपैथी, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी, they are satisfied with that, कि दूसरे को सहायता कर लेंगे। यानी जो महीना करोड़ों कमाता है इंडस्ट्रियलिस्ट है, 5-5 इंडस्ट्री का मालिक आके मेरे यहाँ पर बैठे नीचे, तो सोचो क्या ये सब बोलने के पीछे रहस्य क्या है। जिस करियर के बारे में आप चिंतित हो वो तो करियर करेंगे ही, कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें उनका रुचि है, जिसके लिए उनका जन्म है, जिसके लिए उनका मन में आत्मसंतुष्टि मिले, वो से अगर रोजगार कर लें तो सोचिए बढ़िया हो गया ना, फिर वो किसी क्षेत्र में जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन साथ में वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो जो एक्स्ट्रा स्किल है, जो एक्स्ट्रा मल्टी डायमेंशनल मल्टी टैलेंट है, उसका भी विकास होना चाहिए। मैं जिनसे ड्रम सेट सीखा, ड्रम सेट बजाना, आज ऑक्टोपेड ड्रम सेट, ढोल नाल मेरे पास, व्हाट नॉट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी मौका मिला नहीं आपके साथ, देखेंगे किस दिन ऐसे मौका मिला तो फिर हम अपना कला इसी चैनल में दिखाएंगे कि यार बजाते कैसे, गाते कैसे, नाचते कैसे, मेरे बहुत सारे चैनल में मेरे गीत मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सारे प्रेरणादायी गीत रहते हैं। तो जानते हो जिसने वो ड्रमर है, अच्छा उस समय ड्रमर का बहुत ज्यादा नहीं था, आज ड्रमर्स को बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास डबल सेट ड्रमर ड्रम है, यू नो मल्टी ड्रम्स, तो बहुत पुराना है, तो वो जो ड्रम बजाने वाला, यू नो आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय का हमारे स्टेट मिनिस्ट्री, चलो उनका नाम लेना बेकार नहीं होना चाहिए, गलत बात है, हैं भी अभी जीवित है, तो ऐसा एक मिनिस्टर आके अगर मेरे पास, क्या है सब उनके लिए, लेकिन जब ये मेरा योग है ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना, लेकिन दे आर सेटिस्फाइड क्योंकि मेरा सेंटर में उस समय इस प्रकार का एक्टिविटीज चल रहा था, लेकिन उस समय यूट्यूब और वीडियो कैमरा होता तो जरूर रिकॉर्डिंग रखता, मैं तो हर जगह मेरे एकदम फट से कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करने वाला। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों के अंदर जो अंदर का तत्व है, जो अंदर का क्वालिटी, उसे मारो मत, उसे जगाओ, उस स्किल को, उस मल्टी टैलेंट को, उस बच्चों के अंदर जो रहने वाला
गुण धा कला उसका विकास करो। वो विकास करने से जीवन में वो पछताएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। जैसे थ्री इडियट फिल्म में दिखा रहा है ना, वो जंगल का फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसको रोन दिया जा रहा है इंजीनियर बन। मेरे अंदर बड़े कवित्व छलकते थे 1991 में, लेकिन मेरे स्कूल का टीचर आके धूम पीटा मेरे को। नहीं बुरा नहीं है, अच्छे पीटा एकदम, कस कर ठोकाई एकदम। अच्छा, हम कविता भी ऐसे ही लिखते थे, बदमाश वाला कविता, सब टीचर लोगों को मिला मिला के कविता बनाते थे। ठीक है, कानून रंटी असला माड़ी धोरी की बाड़ी, ऐसे तुकबंदी बना। पढ़ाई के क्लास में देखा, डेढ़ ठोकाई उस दिन से बंद मेरा अंदर का कविता कविता काम भागा और दिखाई नहीं दिया। लिखते हैं आज भी, हाँ, कभी उसको प्रकट नहीं किया। ये कहने का तात्पर्य आप मेरे भाव को समझे, मेरे शब्दों पे ना जाए। इतना सारा आपको समझाने के पीछे जो रहस्य है, इसका मात्र इतना विषय है कि भाई आप अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के गुण धर्म कला अंतर्निहित शक्ति का विकास होना, क्योंकि आप नहीं जानते हो इससे वो व्यक्ति इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बन सकता है। और उसके अंदर अगर किसी भी इस प्रकार के कला और टैलेंट को दबाओगे तो वो उस पढ़ाई क्षेत्र में भी फेल हो जाएगा या उसमें भी विकास नहीं कर पाएगा, ना इस क्षेत्र का ना इस क्षेत्र का। हमारे उड़िया में ना एक कुल रे हेलू ना से कुल रे हेलू है रे विधाता तू एक ही कलू, मतलब ना इस कुल का हुआ ना उस कुल का। स्कूल मतलब नहीं, कुल कुल स्कूल में, स्कूल में कुल मतलब नदी का कुल, इधर और इधर दोनों धार, इधर का नहीं ना इधर का नहीं, बीच में डूब के मर गया। यही होता है हमारे बच्चों के जिंदगी के साथ, हम लोग खिलवाड़ कर देते हैं और उनको आंतरिक विकास होने नहीं देते। और जब ये विकास नहीं होता है तो मानव जीवन प्राप्ति का मूल्य अवमूल्यन हो जाता है और जिंदगी उनका फेलियर हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, इसीलिए यहां पर हम लोग आगे तो बहुत करते थे, कोरोना के बाद से बंद हो गया था, अभी से फिर रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, आपका बच्चों का कुंडली दिखाएंगे, भाई फीस लेंगे, मुफ्त का नहीं, बंद कर दिया हूं इस काम को। कुंडली से उसके अंदर क्या क्वालिटी गुण धर्म विकास किया जा सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या विकास किया जा सकता है, उसके अंदर कौन सा स्किल है और उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए स्पिरिचुअल साधनाएं क्या क्या है। उसमें एक चीज ये भी है कि जो जो मुख्य उसका धारा है, डॉक्टर इंजीनियर वकील नेता जो भी जो बनना चाहता है, वो भी आईएएस ओएएस पाने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, उन सब का भी गृह शांति उसी में, इसी शिविर में ही कर दिया जाएगा। तो आप आपके बच्चों का करियर बिल्डिंग या कुंडली इत्यादि के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, उसी में हो जाएगा। प्लस उन सभी यूथ का, अच्छा ये शिविर जो होता है ओनली फॉर यूथ, इस शिविर में उन बच्चों को आप भेज सकते हो, आपके जो बच्चे जिनके लिए आप चिंतित हो, फिक्रमंद हो उन बच्चों का करियर निर्माण के लिए, तो यहाँ पर उस प्रोसेस में उनको इस 7 दिन का और 1 महीना का शिविर में डाला जाएगा ताकि उनके जीवन में इस क्षेत्र में वो विकसित हो पाए, आगे बढ़ सकें और उनके जिंदगी में एक नौकरी की जगह में दूसरा भी सोर्स ऑफ इनकम बने। तीसरा बिंदु ये है कि आज के डेट में ये जो मिडिल कास्ट तबकों के लिए ट्रैप, ईएमआई वाला ट्रैप, बिल्डिंग खरीदो ट्रैप, गाड़ी खरीद लो ट्रैप, लोन ले लो ट्रैप, फंसे हैं ना, नौकरी छोड़ सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, और अगर करने जाए तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे उस समय कुछ नहीं रहता है, 7.5 ही लग गया, धंधा चौपट, बिजनेस चौपट, नौकरी चौपट, फिर क्या करेंगे गुरु जी, कोई और रास्ता है क्या? उस समय जब शुरू करेंगे तो जीरो से शुरू करेंगे, तब कब खाएंगे और कब पिएंगे और कब कुछ बनेंगे। लेकिन अगर उनके पास प्लान बी का इम्प्लीमेंटेशन, उनका टैलेंट का डेवलपमेंट, उनका स्किल का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ अगर चल रहा है, तो कल जिंदगी में अगर नौकरी बंद भी हो जाए या धंधा चौपट भी हो जाए तो उनके पास दूसरा सोर्स, बैकअप सोर्स, प्लान बी सोर्स रहेगा, और जिंदगी में उनको पछताना या रोना या भीख मांगना या कटोरा लेना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर हम लोग शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। अपने बच्चों का मेरे को इस बारे में कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा 9437580589 या फिर 9938727418 में बायोडाटा के साथ, रजिस्ट्रेशन फीस उसी व्हाट्सएप में आपको भेज दिया जाएगा। आपके बच्चे यहां पर आएंगे, ग्रुप मिलने के बाद
जो एक एक सेट ग्रुप करते हैं जो पहले करते थे, और उस सेट के अनुसार अलग अलग आपका कुंडली विश्लेषण करने के बाद हर एक राशि लग्न को अलग अलग तबके में बुलाएंगे, अलग अलग डेट टाइम में रहेगा, ये समर वेकेशन में रहेगा और आगे तक भी ये चलेगा। उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, पकड़ लो। मैं देखा कि इतने बच्चे अच्छा गा सकते हैं, अच्छे नाच सकते हैं, अच्छे डांस लाइन पे, या अच्छे कविता, अच्छे कहानी, जो भी एक बोल के नहीं, इनफिनाइट। तो उसके लिए उनके अंदर का अंतर्निहित शक्ति, कला, गुण, स्किल का डेवलपमेंट के लिए जो जो रेमेडीज होना चाहिए वो करवाएंगे, मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के माध्यम से, ग्रह शांति यज्ञ के माध्यम से, और मंत्रों का माध्यम से, पत्थर, अगर ये जरूरत, मैं विरोध तो नहीं हूं, पत्थर के माध्यम से, या कोई जड़ी बूटी जैसे किसी भी प्रकार के हर्ब्स के माध्यम से, जो जो भी माध्यम है, आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में और इस प्लान बी के बारे में, ताकि यहां पर उन फ्यूचर को लेके देखो क्या होने वाला है। या पकड़ लो भाई, तुम बहुत कुछ पढ़ो, मैं जैसे भी बच्चा देखा हूं, बहुत कुछ पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, आईएएस हो गया, सब कुछ कर लिया, सब पाने के बाद बेटा आईएएस छोड़ दिया और जाके भीख मांग के घूम रहा है, किसी बाबा बन के बैठा है। मतलब क्या हो गया बाप का 10 लाख खर्चा, 20 लाख खर्चा, 30 लाख खर्चा का। मैं ऐसे बच्चों को जाके स्मशान घाट से छुड़ा के भी लाया हूँ, अघोरियों से भी छुड़ा के लाया हूँ, मैं गया हूँ, देखा हूँ ये सब हुआ है। बाप रो रो के मेरे पास आया, कुछ करो महाराज, स्मशान में बैठ के दारू पी रहा है, वहां पर वो बाबा लोगों के चक्कर में पड़ गया है, तो ये भी हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बाप का इतना रुपया खर्चा करके पढ़ाई करोगे और जिंदगी में आखिरी में मतलब सीएम बना, फिर जेल में चला गया, तो उस सीएम बनने का महत्व क्या रह गया? मतलब क्या है पॉलिटिक्स? पॉलिटिकली यू आर नॉट साउंड, तुम्हें नहीं पता कैसे किसको खोपचे में लेना है, दुर्बल आदमी हो। राजनीति में अगर ये पता नहीं है कूटनीति की, भाई शेर पानी में रह के मगरमच्छ के साथ दुश्मनी नहीं किया जाता, खोपचे में लेके चलना पड़ता है, सेटिंग करके चलना पड़ता है, बिना फालतू का विरोध करने का एटीट्यूड और आदत को नहीं कंट्रोल किया जा सकता, यू आर नॉट फिट फॉर ए गुड पॉलिटिशियन। ठीक ऐसे ही है, सेट करना पड़ता है, समझदारी होना चाहिए, कुंडली दिखा देना चाहिए कि मेरा जेल जाने का योग है कि नहीं है, तो फिर भाई संभल के चलना चाहिए, फूक फूक के चलना चाहिए। जेल जाने के बाद क्या है, धब्बा तो लग गया, अष्टम रूम में, अष्टम स्थान में घुस गए बाबू, काला तिलक लग गया तेरा माथे पे, फिर क्या करना है? हाँ, तुम कितना सुधारना, अपने को बढ़िया बोलो, स्वाधीनता संग्रामी बोलो, देश का उद्धारक बोलो, वो कोई मतलब का नहीं। ठीक ऐसे ही है, मैं कहने का तात्पर्य कि एटलीस्ट आपके बच्चों का उस लेवल पे एक, उनको आप तो नहीं समझा सकते, आपके बच्चे तो आपको नहीं मानने वाले, नहीं समझने वाले, नहीं समझने वाले, पक्का है। और मेरा ये अनुभव है, और मेरा ये फील्ड है, मेरा इसमें रुचि है। आप किसी बच्चा का कुंडली मेरे को पर्सनली दिखाओगे, 9 दिन का भी लाइन पे अभी देखोगे, तो अभी तो उसका भी रेट बढ़ गया। ठीक है, तो शिविर में अगर बच्चे आएंगे, नया जगह आएंगे, नया गांव देखेंगे, जंगल देखेंगे, उनको हम लोग घुमाएंगे, गांव जंगल और नए एटमोस्फियर जो, और नए विचार, ध्यान, योग निद्रा, सरस्वती साधना, गणपति साधना, इन सब के माध्यम से उनके आंतरिक विकास। और कल बड़े होके देखा कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और बेटा दारूबाज बन गया, मदुआ हो गया, गुटखा खाबाज हो गया, बेवड़ा हो गया, और ड्रगिट्स हो गया, क्या फिर इतना सारा खर्चा करके अल्टरनेटली क्या किया बच्चा का? सोचो, मैं ऐसे भी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े गुरुतुल्य मेरे हैं, मैं उनके चरण में सीखा हूँ, तो उनको कैसे बोलूँ, बहुत ऑफिशियली गुरु तो नहीं है, लेकिन नॉन ऑफिशियली हमारे, मेरा जब गुरु जी जीवित थे, उनका शिष्य थे, तो उनके आदेश से हम के पढ़ाते थे, तो बीच में उनका ना सदन दिमाग खूब खाया, बोला बेकार का समाज सेवा है, मेरा बच्चा मैट्रिक दे रहा है, मैं चला पढ़ाने, तुम लोग अपना समझो भाग्य। तो हमारे गुरु जी थोड़ा जानते थे, बोला देख जाएगा जरूर, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाया रहेगा ना, तेरा एक बच्चा की जगह में 10 बच्चे रहेंगे, 100 बच्चे रहेंगे। नहीं नहीं आप नहीं जानते हो, मेरा बच्चा, मेरा ठीक, चलो फिर क्या बोले, पढ़ा लिखा के उसको बढ़ाए 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 बढ़ाए, +3 किया, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग हुआ, घर के ऊपर छत में खड़ा था, कोई लौंडी ओंडी के चक्कर में, लोटी की लड़की उड़की के चक्कर में घर से कूदा और फटाक चरपट टाटा बाय बाय मसान घाट पहुंच गया। तो
ये घटना 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद मुंह लटका के आया, देखा क्या मतलब रह गया, तुम्हारे एफर्ट का मतलब क्या रह गया। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य में थोड़ा सा जान जाए वो कि क्या करना है, तो आप कुछ परिवर्तन तो कर सकते हो। देखो 100 में से 99 मौत एस्ट्रोलॉजर तत्कालिक बुद्धि में बचा सकता है, एक नहीं, वो अपने हाथ में नहीं। देखो अष्टम शनि जिसका रहता है ना, किसी कुंडली वालों को पूछना, एस्ट्रोलॉजर को पूछना कि एक्सट्रीम मृत्यु तुल्य पीड़ा क्या रहता है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका 4 बच्चे उसके आंख के सामने, बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से बोलोगे डरा रहे हो इसलिए नहीं बोल रहा हूं, एक्सट्रीम रिजल्ट। और सोचो इस समय किसी का मेष राशि हो, उसका कुंडली में अष्टम शनि हो, या फिर जैसे अभी सिंह राशि, आपके परिवार में एक साथ सिंह राशि का अष्टम शनि 2-3 आदमी का ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम पनिशमेंट क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जानते हो। जिसके कारण जब ऐसे देखते हैं ना, देखा कि ये बेटा मीन राशि का है और इसका मकर राशि का है, इसका अष्टम शनि है, उसका बाप का कुंभ राशि या सिंह राशि है, इसका अष्टम शनि होगा, दोनों साइड कौन साइड करेगा तो किसको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं कि अपने लेवल से कि भाई उसका ये ग्रह शांति करा दे, क्योंकि एक्सट्रीम पनिशमेंट हिट कहाँ करेगा, बच्चा के ऊपर। और एक्सट्रीम क्या होता है जो भुक्तभोगी हैं उन्हें पता होगा, मैं बोल के मेरा मुंह खराब करना नहीं चाहता, लेकिन बचाया जा सकता है अगर राइट यज्ञ पूजा ग्रह शांति कराया जाए। 99 केस बचाया जा सकता है, नॉट इन वन, वो अपने हाथ में नहीं, वो उनके हाथ में है। ठीक ऐसे ही ये कहने का, ये आवश्यक नहीं था यहां कहने के लिए, लेकिन आप सब मेहनत करो और आपका बच्चा का आने वाला समय भगवान ना करे तो बाप, ये बहुत से स्किल और बहुत से ये रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है कुंडली में इसको निकाल पाना और उसको देख पाना। लेकिन आज का डेट में क्या हो रहा है, ये जो उनके अंदर अंतर्निहित गुण है, कला है, स्किल है, इसको मारने के लिए इंटरनेट और आपके मोबाइल और आपके वीडियो गेम, आपके रील्स, आपके और भी जो भी बच्चे आजकल कर रहे हैं वीडियो मार दे रहा है। और जब मार दे रहा है तो अल्टरनेटली उनका इंटरनल डेथ हो रहा है। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब है, लेकिन आंतरिक जिसके लिए वो जन्म हुआ था वो रोंदा जा रहा है। अगर वो नहीं करता है तो उसके व्यक्तित्व और पारिपार्श्विक विकास नहीं हो पाएगा। इसी विकास जो नौकरी चाकरी डॉक्टर इंजीनियर वकील और से बनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो उसके अंदर का इंसानियत व्यक्तित्व नेतृत्व चरित्र मर रहा है, स्किल मर रहा है, आंतरिक गुण धर्म कला मर रहा है, उसको जीवित करना हमारा कर्तव्य है। ये वीडियो के पीछे मैं जो बोल रहा हूं, आशा कर रहा हूं आप समझे होंगे और अपने बच्चों को और मेरे बात को दूसरों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी इस शिविर में अपने बच्चों को भेजें। यहां पर आपके मेट्रो जैसे खर्चा नहीं है बाबू लोग, यहां मैक्सिमम खाना पीना रहना एक दिन का 1000 रुपया से ज्यादा तो नहीं लगेगा, और मेरा कुंडली फीस जो भी है वो बेसिक रहेगा। भले 7 दिन का कर लो, भले 1 महीना का कर लो, तो आपको सब बता दिया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, और आप अपने बच्चों को यहां पर इस समर वेकेशन में, एक्समस वेकेशन में और ये कंटिन्यू शिविर में, करियर बिल्डिंग शिविर, स्किल डेवलपमेंट शिविर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलपमेंट एंड वर्कआउट शिविर, प्लान बी डेवलपमेंट शिविर, आंतरिक गुण कला इत्यादि का निर्माण और विकास, जिसके माध्यम से रोजगार, साइड इनकम सोर्स, प्लान बी इनकम सोर्स, या उनके अंदर का टैलेंट का विकास और उसके माध्यम से रोजगार, इस प्रकार का प्रशिक्षण, यानी इसको छोटा नहीं लेना, उसके नौकरी में जितना कमाता है पेमेंट नौकरी पगार से, इस रास्ता में उससे ज्यादा कमाई, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, एग्जाम्पल यहां बैठा हुआ है,
एग्जाम्पल यहां बैठा हुआ है, 28 ईयर राउरकेला स्टील प्लांट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पेमेंट और मेरा यूट्यूब और से लेके बाकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एंड टैरो एंड वास्तु और मेरे कराटे क्लास, मेरा योगा क्लास, मेरे नेचुरोपैथी, मेरे गुरुकुल, मेरे गौशाला, मेरे पंचगव्य थेरापी एंड आयुर्वेदाज एंड नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर, इमेजिन कर पा रहे हो मेरा थोबड़ा कह रहा है या भाषण मार के भांज रहा हूं आप लोगों को, क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस तो चेहरा से ही छलक जाता है, कहने का आवश्यकता नहीं रहता, दिखावटी नो पता चल जाएगा, 5,500 वीडियो से देख लो। हाँ, बर्गोत्तमी सूर्य आए हैं, हाँ क्या कहते हो, हाल ऐसा तैसा थोड़ी, पुष्कर नवांश का सूर्य ये है आचार्य संजय। एस्ट्रोलॉजर बहुत है, मना नहीं है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग कंजक्शनल प्लानिटरी पोजिशन इन बर्थ चार्ट, वो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर होता है यार। डिग्री एमए इन एस्ट्रोलॉजी और डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑन एस्ट्रोलॉजी पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट लेके भी रगड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं, क्या करूं। और हम लोग खानदानी राज ज्योतिषी परिवार, अभ्यास प्रैक्टिस रगड़ रगड़, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? नहीं, सर्टिफिकेट तो बड़े पड़े हैं लेकिन क्या मतलब उसका, सर्टिफिकेट तो और भी मेरे दोस्त मेरे साथ जो लोग कोर्स पढ़ाई कर रहे थे उनके पास 40 साल पहले का सर्टिफिकेट, 30 साल पहले का सर्टिफिकेट पड़ा है। सर्टिफिकेट का धो के पियोगे, चाटोगे उसको? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसी बात है तो ये वीडियो आपके, आशा करता हूं मेरा विचार बाकी लोगों तक पहुंचाओगे, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा, और आपके बच्चों को शिविर में भेजोगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और उनके अंदर का अंतर्निहित कला विकास हो। धन्यवाद, नमस्कार।